गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हर्ष के समय में जो आर्थिक दशा, जो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक कंडीशन थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हर्ष के समय में आर्थिक दशा। हर्षकालीन भारत की आर्थिक दशा के विषय में हमें बाण के ग्रंथों, चीनी स्रोतों तथा तत्कालीन लेखों से जानकारी मिलती है। सभी स्रोतों से पता चलता है कि उस समय देश की आर्थिक दशा उन्नत थी। कृषि जनता की जीविका का मुख्य आधार थी। ठीक है, वेनसांग लिखता है कि उस समय देश की आर्थिक दशा उन्नत थी, कृषि जनता की जीविका का मुख्य आधार थी। वेनसांग लिखता है कि अन्न तथा फलों का उत्पादन प्रभूत मात्रा में होता था। हर्षचरित के अनुसार श्रीकंठ जनपद में चावल, गेहूं, ईख आदि के अलावा सेब, अंगूर, अनार आदि भी उगाए जाते थे। भूमि का अधिकांश भाग सामंतों के हाथ में था। कुछ भूमि ब्राह्मणों को दान के रूप में दी जाती थी। इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं ब्रह्मदेय क्या था, तो ये एक प्रकार की भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार दानग्राही को मिल जाते थे। मधुबन तथा बांसखेड़ा के लेखों में हर्ष द्वारा ग्राम दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। और हम लोग मधुबन तथा बांसखेड़ा के जो लेख हैं उनके बारे में पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियोस को देखिएगा। अब देखिएगा, भूमि के विविध प्रकार का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। भूमि के जो विविध प्रकार हैं उनका उल्लेख किया गया है, वो कौन कौन से? अप्रेदा, न रहने योग्य भूमि, खिल, बंजर भूमि, अप्रहता, जिसमें खेती न हो सके। ठीक है, कृषि के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसे जल पंप भी कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है। कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग धंधे तथा व्यापार भी उन्नति पर थे। देश में कई प्रमुख व्यापारिक नगर थे। व्यापार व्यवसाय का कार्य श्रेणियों द्वारा होता था। विभिन्न व्यवसायियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। वे अपने सदस्यों को व्यवसाय की भी शिक्षा देती थी ताकि वे उनमें निपुणता प्राप्त कर सके। हर्षचरित में उल्लेख मिलता है कि राजश्री के विवाह के समय निपुण कलाकारों की श्रेणियां राजमहल को सजाने के निमित्त बुलाई गई थी। प्रमुख स्थानों पर बाजारें लगती थी तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। समकालीन लेखों में सोलकिक, तारिक, हटमती आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो बाजार व्यवस्था से संबंधित थे। इन सभी करों का विवरण निम्नलिखित है। जो हर्ष के काल में जो कर लगते थे वो इस प्रकार से है, देखिएगा। सोलकिक कर, तारिक कर और हठमती कर। तो सोलकिक कर है ये चुंगी वसूलने वाला, तो जो सोलकिक नाम का कोई अधिकारी होता था और वो कर भी लगाता था जिसे सोलकिक कर कहा जाता था, ये होता था चुंगी वसूलने वाला। तार्किक कर, नदी के घाट घाट पर कर वसूलने वाला। और तार्किक कर होता था, वह कौन सा कर था? नदी के घाट पर कर वसूला जाता था, वो वाला कर। हटमती कर, बाजार में क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं पर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ये सोलकिक, तारिक और हटमती ये पदाधिकारी भी होते थे और ये जो कर वसूलते थे उनको भी इन्हीं नाम से जाना जाता था। जैसे सोलकिक कर है, तारिक कर है, हटमती कर है। ठीक है, कुछ नगर अपने व्यापार के कारण काफी प्रसिद्ध हो गए थे। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर देश के समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैनी तथा कन्नौज भी आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। बाण ने उज्जैनी के निवासियों को करोड़पति अर्थात कोट्याधीश बताया है। वहां के बाजारों में बहुमूल्य हीरे जवाहरात
एवं मणियां बिक्री के लिए सजी रहती थी। कन्नौज दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था जो दूर दूर देशों के व्यापारियों से खरीदी जाती थी। अयोध्या के लोग विविध शिल्पों में अग्रणी थे। देश में सोने तथा चांदी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सिक्के विनिमय के माध्यम थे, किंतु इस काल के बहुत कम सिक्के मिलते हैं जो पतन व्यापार वाणिज्य की पतनोन्मुख दशा का सूचक है। देश में आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था। इसके लिए थल तथा जल मार्गों का उपयोग किया जाता था। कपिसा का वर्णन करते हुए वेनसांग लिखता है कि वहां भारत के प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामग्रियां पहुंचाई जाती थी। यहां से भारतीय व्यापारी पश्चिमी देशों को जाते थे। कश्मीर से होकर मध्य एशिया तथा चीन तक पहुंचा जाता था। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी भारत में भड़ोज सुप्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह थे। कई बार इन बंदरगाहों के बारे में पूछ लेते हैं तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। चीन तथा पूर्वी द्वीप समूहों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ताम्रलिप्ति से जहाज मलय प्रायद्वीप तक जाते थे। यहाँ से एक मार्ग पश्चिम की ओर जाता था। इत्सिंग लिखता है कि जब वह यहाँ से पश्चिम की ओर चला तो कई सौ व्यापारी उसके साथ बोधगया तक गए थे। अयोध्या तथा ताम्रलिप्ति के बीच भी एक व्यापारिक मार्ग था। इस प्रकार यद्यपि साहित्य में हर्षकालीन भारत की समृद्धि का चित्रण है, तथापि भौतिक प्रमाणों से इस बात की सूचना मिलती है कि आर्थिक दृष्टि से यह पतन का काल था। अहिच्छत्र तथा कौशाम्बी जैसे नगरों की खुदाइयों के उत्तर गुप्तकालीन स्तर उनके पतन की सूचना देते हैं। चीनी यात्री व्हेनसांग के विवरण से भी इस बात का पता चलता है कि 7वीं शताब्दी तक कई नगर तथा शहर निर्जन हो चुके थे। इस काल में मुद्राओं तथा व्यापारी व्यवसायिक श्रेणियों की मुहरों का घोर अभाव देखने को मिलता है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यह काल व्यापार वाणिज्य के पतन का काल था और समाज उत्तरोत्तर कृषि मूलक होता जा रहा था। तो देखिएगा, इस वीडियो में हमने हर्षकालीन जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे भी हम आपको ऐसे ही परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।